टीवीएस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लेह लद्दाख 6 nights 7 days वो भी फ्लाइट्स के साथ, ऐसा पैकेज मैं आपको आज YT भारत चैनल पर देने जा रहा हूं जिसके रेट्स और जिसकी सर्विसेज कोई भी इंडिया में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ट्रैवल कंपनी बीट नहीं कर सकती है। इतने रेट कम हैं विद फ्लाइट विद फैसिलिटी, आप इस बिना इस पैकेज को लिए रह नहीं पाएंगे। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको एक एक बारीक से बारीक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको वीडियो क्लिप्स के साथ एक एक करके समझाऊंगा कि कौन कौन से प्लेसेस पर आपको घुमाया जाएगा। पूरी डिटेल देखने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपने दोस्तों YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको YT भारत पर लगातार मिलते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। आइए दोस्तों, ए विजिट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेह लद्दाख में सबसे ज्यादा ऊंचे हाईएस्ट मोटरेबल पासिस हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ऐसे व्यूज हैं जिसकी कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। आइसी लेक्स के साथ साथ स्वर्लिंग रोड्स हैं जो इस स्थान को मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस बनाते हैं। भारत के अंदर सभी ट्रैवलर्स की लिस्ट में ये शामिल है और एक ऐसी ब्यूटी है जो एक्सेप्शनल है। दुनिया में हजारों साल पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर आपको पहाड़ में देखने को मिलेंगी। आइए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लेसेस आपको घूमने को मिलेंगे इस टूर के दौरान। तो उसमें है शांति स्तूपा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, संगम पॉइंट एंड मैग्नेटिक हिल, लेह पैलेस, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास जिसे हम खारदुंगला पास के नाम से जानते हैं, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पैंगोंग लेक, कोल्ड डेजर्ट जिसे हम नुब्रा वैली के नाम से जानते हैं, एंड रिवर शायोक, शे पैलेस, थिक्सी एंड हमिस मोनेस्ट्री, ये सब आपको घूमने को मिलेगा 6 nights 7 days के इस पैकेज के अंदर। आइटनरी का शॉर्ट ओवरव्यू देना स्टार्ट करते हैं। 6 nights 7 days के इस पैकेज में 4 nights आप ले रुकेंगे, 1 night नुब्रा एंड 1 night पैंगोंग में आपका स्टे होगा। Day 1 पर आपको एयरपोर्ट से पिकअप किया जाएगा और टाइम मिलेगा आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए। उसके बाद शाम को आप जाएंगे शांति स्तूपा। Day 2 पर शाम वैली एक्सकर्शन होगा। Day 3 पर आप जाएंगे लेह टू नुब्रा वाया खारदुंगला पास। Day 4 पर नुब्रा टू पैंगोंग लेक वाया श्योक। Day 5 पर पैंगोंग टू लेह वाया चांगला पास। Day 6 पर आप चलेंगे विजिट शे पैलेस, थिक्सी एंड हेमिस मोनेस्ट्री और Day 7 पर होगा एयरपोर्ट ड्रॉप। अब चलिए आपको डिटेल आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं। पूरी तरह से ध्यान से देखिए और बुक कराइए इस पैकेज को जल्दी से जल्दी। दोस्तों, अगर आप इस पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के नंबर पर कॉल करके आप इसे बुक करवा सकते हैं। आइए आपको डिटेल आइटनरी देना स्टार्ट करते हैं। Day 1 पर आप पहुंचेंगे लेह एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंच करके आपको वहां का लोकल टूर रिप्रेजेंटेटिव पिकअप करेगा और होटल में ले जाएगा चेक इन के लिए। कुछ देर रेस्ट करिए और ये डे होगा आपका एक्लेमेटाइज होने के लिए, क्योंकि 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां का वेदर बिल्कुल अलग होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए आपको वहां पर एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। शाम के टाइम आप निकलेंगे लेह की मार्केट देखेंगे और उसके बाद आप जाएंगे शांति स्तूपा जो 1991 में बिल्ड किया गया था बाय जैपनीज बुद्धिस्ट भिक्षु गोम्यो नाकाकुर्मा के थ्रू। शांति स्तूपा प्रोवाइड करता है ब्यूटीफुल एंड पनोरमिक व्यू ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप का। शांति स्तूपा इन लद्दाख जो बिल्ड करता है प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड पीस, अ सिंबल ऑफ द टाइज बिटवीन जापान एंड लद्दाख। उसके बाद आप इंजॉय करिए कंफर्टेबल ओवरनाइट में स्टे करिए होटल इन लेह के अंदर। अब चलते हैं Day 2 पर। Day 2 पर होगा आपका श्याम वैली एक्सकर्शन। सुबह सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए और निकल जाइए श्याम वैली के लिए। रास्ते में आप देखेंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो इस दिन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इसके बाद जाएंगे आप मैग्नेटिक हिल जहां पर बिना किसी गियर में डले हुए कार ऊंचाई पर अपने आप चढ़ती है। इसके बाद आप जाएंगे संगम पॉइंट पे जहां पर इंडस और जंस्कार रिवर का संगम होता है। बहुत ही कलरफुल एक्सपीरियंस होगा। वापस रात को आप आराम करेंगे लेह के अपने होटल में। Day 3 पर आप निकलेंगे लेह से खारदुंगला पास के लिए और जाएंगे नुब्रा वैली जो 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। 5 से 6 घंटे की जर्नी होने वाली है। सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए और ये डे आपका बहुत ही थ्रिल्ड से भरा होने वाला है। ये आपकी यात्रा जो है उसके रास्ते में आप जाएंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास पर जिसे हम खारदुंगला पास के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट है 5,550 meters के लिए। वहां पर जाकर के आप इंजॉय करिए बर्ड्स आई व्यू ऑफ लेह सिटी का।
कैप्चर द फैंटास्टिक व्यू इन योर कैमरा बिफोर ड्राइविंग डाउन टू नुब्रा वैली। अच्छे से फोटो खींचिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे नुब्रा वैली के कैंप रिजॉर्ट में। फ्रेशन अप होने के बाद आप निकल जाइए चार्मिंग वैली ऑफ डिस्किट के लिए, जो छोटी सी कैपिटल है नुब्रा की। विजिट द फेमस डिस्किट गोम्पा, सबसे पुराना लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है नुब्रा वैली के अंदर, जो प्रोवाइड करती है ब्रेथ टेकिंग व्यू इस वैली का। आफ्टर द विजिट फर्दर ड्राइव टू हुंडर के लिए आप निकल जाएंगे, जो कोल्ड डेजर्ट है एंड द वर्ल्ड फेमस डबल हम्ड कैमल्स। डबल हम्ड कैमल्स होते हैं जिनकी पीठ पर दो उभार होते हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। एंजॉय अ यूनिक कैमल राइड, आप एंजॉय करिए अपनी कॉस्ट पर। उसके बाद आप सुपर एक्साइटिंग टाइम अपना व्यतीत करिए। इट इज टाइम फॉर सम रेस्ट, कुछ आराम के लिए आपका टाइम है। वी गेट बैक टू द कैंप्स इन लेट आफ्टरनून एंड रिलैक्स। टेक लीजरी स्ट्रॉल्स इन द इवनिंग, हैव डिनर एंड रिटायर फॉर अ रिलैक्स्ड स्लीप। डे फोर पर आप निकलेंगे नुब्रा से पैंगोंग लेक वाया शायोक होते हुए 275 किलोमीटर की यात्रा, 6 से 7 घंटे कम से कम लेगी। हैव एन अर्ली ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह उठ जाइए मॉर्निंग में। सेट आउट फॉर अ विजिट टू फेमस पैंगोंग लेक वाया शायोक के लिए आप रेडी हो जाइए। इंजॉय करिए स्पेक्टेकुलर जर्नी विद द अमेजिंग सीनरीज ऑफ स्नो क्लैड हिमालयस। सिचुएटेड है अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर के कोने पर है। इट इज द हाइएस्ट सॉल्ट लेक वाटर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, विद हाइट ऑफ 4,267 मीटर, 130 किलोमीटर लंबी, 6 किलोमीटर चौड़ी। द परफेक्टली क्लियर इन्वायरमेंट एंड विद ब्यूटिफुल स्काई एंड सराउंडिंग हिल्स एट द मैग्निफिकेंस। आप रात को डिनर करिए, स्पेंड टाइम करिए विद नेचर एंड एंजॉय द क्रिस्टल क्लियर स्काई व्यूज विद ग्लिटरिंग स्टार्स एट द नाइट। आप जब वहां पर रुकेंगे तो आप रात को आसमान देखिएगा, पूरा सितारों से एकदम जगमगा रहा होगा और ऐसा व्यू होगा जो वंस इन अ लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में कैप्चर होकर के रह जाएगा। अब चलते हैं डे 5 पर। पैंगोंग से आप निकलेंगे लेह के लिए वाया चांगला पास होते हुए, 230 किलोमीटर की यात्रा, 5 से 6 घंटे लेगी कम से कम। इंजॉय अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग कैंप्स के अंदर, सुबह सुबह का नजारा अद्भुत होता है। चार्ज योर सेल्फ विद अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ चार्ज हो जाइए और लाइफ टाइम की मेमोरीज बनाने के लिए फोटो कैप्चर करिए और मजा ही आ जाएगा। टुडे ड्राइव बैक टू लेह ड्राइविंग ऑन द सेम रूट पे आप निकलेंगे चांगला पास होते हुए। आप पहुंचेंगे लेह अराउंड द आफ्टरनून के आसपास, फिर चेक इन करेंगे होटल में और कुछ शॉपिंग कर लीजिए लोकल मार्केट से और रिलैक्स करिए, डिनर करिए और रात को आराम से अपने टाइम को बिताइए। अब चलते हैं डे 6 पर। लेह की लोकल साइट सींग होने वाली है। इस दिन आप 105 किलोमीटर की आपकी यात्रा होगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद विजिट करिए शे पैलेस, द एंशियंट कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड थिक्सकी मोनेस्ट्री लोकेटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल। द मोनेस्ट्री एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ लद्दाखी आर्किटेक्चर का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिस कंटेन्स सेवरल स्तूपास, बहुत सारे स्तूपास हैं, स्टैचू हैं, थंका है, वॉल पेंटिंग है एंड लार्ज पिलर डिपिक्टिंग बुद्धास टीचिंग। लेटर कंटिन्यू टू ड्राइव टू विजिट हेमिस मोनेस्ट्री आप पहुंचेंगे, विच वॉज बिल्ट इन 1630 में इसको बनाया गया। द लार्जेस्ट मोनेस्टिक फाउंडेशन ऑफ ड्रुकपा काग्यू ऑर्डर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म एंड इट हाउसेज सम ब्यूटिफुल वॉल पेंटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं। ये सब घूमने के बाद आप शाम को पहुंचिए शांति स्तूपा, ले पैलेस देखिए और मार्केट विजिट करिए और ओवरनाइट स्टे करिए लेह के अपने होटल में। अब चलते हैं, आपको डे 7 के बारे में बताते हैं। इस दिन आपका डिपार्चर होगा लेह के लिए। अब आपको बताते हैं एकोमोडेशन क्या क्या आपका यूज किया जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं, डिलक्स पैकेज लेते हैं या सुपर डिलक्स पैकेज लेते हैं, जिनकी कैटेगरी यहाँ पर मैं आपको रेट्स अलग अलग हैं जो बता दूंगा। लेह में अगर आप रुकते हैं स्टैंडर्ड में तो आपको लेह कैसल वाइट या गोल्डन एप्रिकॉट द वैंग रेजिडेंसी सिमिलर मिलेगा आपको। नुब्रा में डिलक्स कैंप और पैंगोंग में डिलक्स कैंप मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग डिलक्स पैकेज में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और सुपर डिलक्स में आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैकेज कैटेगरी की। स्टैंडर्ड डिलक्स और सुपर डिलक्स के तीनों रेट में बदलाव हैं, चेंजेस हैं। मिनिमम पर पर्सन होने चाहिए 4 अगर आपको पैकेज चाहिए स्टैंडर्ड में 23,999 का। 6 पर्सन अगर आप हैं तो मिलेगा आपको 20,999 का। चाइल्ड अबव 5 ईयर्स के एक्स्ट्रा लगेंगे 14,999
और एक्स्ट्रा एडल्ट है 12 साल से अबव तो 17,499। डिलक्स पैकेज के रेट आपके ये हैं और देन है आपके सुपर डिलक्स पैकेज के रेट्स। तो आप अगर 6 लोग हैं तो 20,999 रुपए में विथ फ्लाइट टिकट्स 6 नाइट 7 डेज का लेह लद्दाख का ये बहुत ही सुंदर पैकेज बुक करवा सकते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बुक करवा चुके हैं ऑलरेडी। आप भी इसको ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं और हो करके आ सकते हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे हमेशा के लिए, यादगार को समेटने के लिए। डिपार्चर डेट्स हैं जून के अंदर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 25, 26, 27 को फिक्स डिपार्चर ये पैकेज है। उसके बाद जुलाई में बहुत सारी डेट्स हैं, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 स्क्रीन को पॉज करके आप रख लीजिए। इन इन डेट्स पर लेह लद्दाख के लिए दिल्ली से फ्लाइट्स जाएंगी और लेह लद्दाख पूरा घुमाते हुए आपको दिल्ली पे ड्रॉप किया जाएगा। इस पैकेज को आप इस तरह से बुक करवा सकते हैं। बताते हैं प्राइस में क्या क्या इंक्लूसिव है जो आपको रेट्स हमने बताए। एकोमोडेशन इन रूम्स एज गिवन एट होटल्स इन लेह, नुब्रा, पैंगोंग ऑन डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे आपको मिलेगा। मील प्लान में आपका रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस डिनर होगा। वन नाइट नुब्रा एंड वन नाइट पैंगोंग डिलक्स कैंप में आपको मिलेगा। इनर लाइन परमिट मिलेगी फॉर द रेस्ट्रिक्ट एरियाज के लिए। असिस्टेंस मिलेगा एट द अराइवल एंड डिपार्चर पॉइंट। साइट सींग मिलेगा प्राइवेट एयर कंडीशन व्हीकल में एज पर द आइटनरी ऑन शेयरिंग बेसिस पर। प्राइवेट व्हीकल ऑप्शन आपको मिलेंगे। गेट इन टच विद योर सेलर बिफोर बुकिंग। साइट सीन मिलेगा एज पर द आइटनरी बाय शेयर्ड नॉन एसी टेम्पो ट्रेवलर स्कॉर्पियो या जाइलो से। राउंड ट्रिप एयर फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें प्राइस फॉर एक्सक्लूसिव आप यहां पे पढ़ सकते हैं जो इसमें एक्सक्लूसिव है। इस पैकेज को बुक करने के लिए वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए और पैकेज की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप इस पैकेज को बुक करवाइए। मिलते हैं वाईटी भारत के सरके बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में वाईटी भारत पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।